इस दुनिया की हर चीज का एक सेंट्रल पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, चाहे वो चीज गोल हो, चौकोर या टेढ़ी मेढ़ी। ज्योमेट्री में इस अमल के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट में इस नुक्ते को मालूम किया जा सकता है, जहाँ से इसका वजन बराबर तकसीम हो रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? क्या दुनिया की लंबाई, चौड़ाई और गोलाई को नापकर वो नुक्ता, वो मकाम मालूम किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ। दुनिया का गोल्डन मीन कहाँ है? मैथमेटिक्स में 1.618 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में जगह जगह पाया जाता है, जैसे DNA स्पाइरल्स में, जैसे स्नोफ्लेक क्रिस्टल्स और बहुत सी चीजें। जब दुनिया की पैमाइश शुरू की गई तो एक ऐसा नुक्ता हासिल हुआ जहां से गोल्डन मीन के परफेक्ट नंबर्स हासिल हुए, यानी 1.618, और वो जगह थी मक्का, वो मोहतरम शहर जहां हजरत इब्राहिम ने खाना काबा की तामीर की और जिसकी तरफ रुख करके करोड़ों मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। डॉक्टर स्टीवन मार्काउट ने अपनी 25 साल की तहकीक के बाद बताया कि 1.618 का औसत जिस चीज का भी निकाला गया, इसका हुस्न लाजवाब था और वो चीज मुकम्मल कहलाने की हकदार। खाने काबा का हुस्न और हुदूद हरम की कशिश लाजवाल है। जब हिसाब दानों और साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि कुरान की सूरह आले इमरान की 96 आयत में मक्का का जिक्र है, तो इस गोल्डन रेशियो में 1.618 ही है, तो वो बे इख्तियार कह उठे कि ये आयत कोई इंसान 1400 साल पहले तो क्या आज भी नहीं लिख सकता। कुरान यकीनन इल्हामी किताब है। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، اور اسی برکت والی جگہ پر एक ऐसा क्लॉक टावर बनाया गया है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है और जिसे मक्का क्लॉक टावर का नाम दिया गया है। और कहा जा रहा है कि अब पहले इस्लामी दुनिया और फिर बाकी दुनिया भी इसी वक्त को फॉलो करेगी। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की इस तामीराती अजूबे पर। 5 टावर्स के इस कॉम्प्लेक्स का दरमियानी टावर सबसे बुलंद है, जिसकी ऊंचाई 380 मीटर है। इसी टावर पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जदीद घड़ी लगाई गई है, जो दुनिया के मशहूर तरीन बिग बैन से 30 गुना ज्यादा बड़ी है, और इसको 18 किलोमीटर के फासले से भी देखा जा सकता है। क्लॉक के ऊपर 200 मीटर का एंटेना है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा हिलाल नस्ब किया गया है, जिसका डायमीटर 23 मीटर है। टावर के चारों तरफ घड़ी बनाई गई है और इन चारों को दुनिया का इंतहाई जदीद और नफीस निजाम कंट्रोल करेगा। टावर के सामने और पुश्त पर बनाई गई घड़ी का साइज 43 मीटर बाय 43 मीटर है, जबकि साइड पर लगी घड़ियों का साइज थोड़ा कम, यानी 43 बाय 39 मीटर है। घड़ी का फसाद कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जो स्टील से 3 गुना मजबूत होता है और जिसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मजीद हिफाजत के लिए ग्लास सिरामिक का कवर लगाया गया है। घड़ी की सुइयां भी घड़ी की तरह देव हैकल हैं और 22 मीटर साइज की सुइयों को चलाने के लिए ट्रेन जैसे ट्रैक बनाए गए हैं। मक्का क्लॉक टावर तामीरात और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। दिन में दूर से दिखाई देने वाला सफेद जमीन पर सुइयों और घंटों की अलामत का रंग स्याह हो जाता है, जबकि रात के वक्त यही सुइयां और घंटे की अलामत सफेद हो जाते हैं और घड़ी का डायल सब्ज हो जाता है। इस घड़ी को रोशन बनाने के लिए 20 लाख LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो हर नमाज के वक्त फ्लैश होती हैं, ताकि जहां इस घड़ी के जरिए नशर होने वाली अजान की आवाज नहीं जाती, वो लाइटें देखकर नमाज का वक्त मालूम कर सकेंगे। अजान की आवाज इस टावर से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इसके अलावा यहीं से टाइम सिग्नल्स भी ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो कौमी TV और रेडियो पर नशर होते हैं।
اور مستقبل میں دنیا ان اوقات کو فالو کرے گی. اس گھڑی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے جس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 3000 سال میں صرف 1 سیکنڈ کا فرق آ سکے گا. اس کلاک ٹاور پر لگے ہلال میں ایک ایسا بیم سسٹم رکھا گیا ہے کہ خاص موقعوں پر اور عید کے موقع پر ایک 30 کلومیٹر لائٹ بیم بھی آسمان کی طرف روشن ہو جایا کرے گی. گھڑی کے بالکل نیچے سیاحوں کے لیے پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر مکہ کی وادی کو دور دور تک دیکھ سکتے ہیں. اس ٹاور میں دفاتر اور ہوٹلز کے علاوہ 10,000 نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہال بھی موجود ہے. مکہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے اپنے اس کلاک ٹاور کی وجہ سے دنیا کے اوقات کار کا مرکز بھی بن جائے گا. امتحانات سے فارغ طلبہ صرف 45